कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, ऑफर लेटर जेन्युइन है या नहीं है। ऑफर लेटर के ऊपर वेबसाइट शायद मेंशन की होगी अगर लेटर हेड पे या तो कंटेन में होगा, तो आपको वो वेबसाइट पे जाके चेक करना है वेदर इट इज़ जेन्युइन और नॉट। उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं जेन्युइनिटी। और अगर जेन्युइन नहीं है, शायद अगर आप नहीं पकड़ पाए और आपने एम्बेसी में उसको सबमिट कर दिया, इट मे बी पॉसिबल कि आपने जितना भी चार्जेस पे किया हो एम्बेसी उसे डिनाई कर सकती है, आपका इतना लॉस हो सकता है। सो यू नीड टू बी केयरफुल। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो हम फ्रॉड या तो स्कैम से बचने के लिए हम इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपको वर्क फ्रॉम होम ग्रांट किया गया है तो बी अलर्ट, शायद यहाँ पे कुछ फिशी हो सकता है। अगर आपको जॉब या तो ट्रेनिंग के लिए कुछ पे करने के लिए कहा जा रहा है, देन अगेन अलर्ट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किल्स या तो आपका एक्सपीरियंस आपके एम्प्लॉयर के लिए एसेंशियल नहीं है, या तो फिर आपकी स्किल्स के रिलेटेड आपकी जॉब नहीं है, तो अगेन आई वुड सजेस्ट आप अलर्ट हो जाइए। अगर कंपनी से कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है और वो पर्सनल ईमेल आईडी से कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल @gmail.com या तो फिर @yahoo@rediffmail.com, ऐसे कुछ से अगर आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप फिर ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी कंपनी से आपको मेल्स आ रहे हैं उसके लिए पीछे कंपनी का नाम हो, @ करके कंपनी का नाम हो, उसे ही आप वैलिड मानिए। आपके ऑफर लेटर के अंदर अगर अनप्रोफेशनल लग रहा है कुछ, या तो फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, तो अगेन आपको चेक करना चाहिए, डबल चेक कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। मूविंग फॉरवर्ड टू फर्दर सर्कमस्पेक्शंस, अगर आपको कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, या फिर बैंक अकाउंट नंबर, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऑफर लेटर यूजुअली इशू करने के लिए ऐसी कुछ चीज़ें या तो फिर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जॉब ऑफर लेटर इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन सच एज रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेम्यूनरेशन, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एक्सेट्रा। जैसे हमने आगे जॉब ऑफर लेटर की डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि ऑल अबाउट योर जॉब इज टू बी डिस्कस्ड और मेंशनड इन योर ऑफर लेटर, सेम वे यहाँ पे मेंशन किया है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलनी चाहिए, दैट इज रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेम्यूनरेशन आपको कितना मिलने वाला है, और एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस किस तरह की है। मोर ओवर लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं LMIA, उसका नंबर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट नंबर मेंशन करना होना किया होना चाहिए, ये आप खास ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, अगर आपको जॉब ऑफर लेटर या तो फिर जॉब ऑफर बहुत शॉर्ट पीरियड में मिल रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस जो बहुत टाइम टेकिंग है। अगर आपको कोई ऐसे ऑफर कर रहा है या तो फिर कोई फेक प्रोमिसेस कर रहा है कि आपको ऑफर लेटर शॉर्ट पीरियड में मिल जाएगा, तो अगेन आपको उसको डबल चेक करना चाहिए। अगर आपको कोई भी ऑफर या तो जॉब ऑफर लेटर कोई इंटरव्यू के बिना ऑफर कर रहा है, लाइक वर्चुअल इंटरव्यू जैसे कि जूम पे होता है, स्काइप, गूगल ड्यू या फिर कोई अदर मोड से, वर्चुअल मोड से, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि आपको विदाउट इंटरव्यू कहीं पे भी जॉब ऑफर नहीं की जाएगी। इनफैक्ट इन इंडिया हम यहाँ पे भी कोई भी जॉब लेने के लिए जाते हैं तो हमें इंटरव्यू फेस करना रहता है, तो हम ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कैनेडियन कंपनीज आपको विदाउट इंटरव्यू कहीं पे रिक्रूट करेगी या तो फिर जॉब ऑफर देंगी। तो अगर आपको इस तरह से कोई ऑफर मिल रही है तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, उसको चेक करिए कि आप स्कैम में ना फंसें। सो टू सम अप, आई वुड से कि ऐसी कोई भी चीज़ों में, कोई स्कैम्स में ना फंसे। अगर आपको कोई पे करने के लिए बोल रहा है तो आप पे मत कीजिए, क्योंकि किसी भी ऑफर लेटर के लिए आपको पेमेंट नहीं करना होता है, तो इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखें।
मूविंग टू दिस नेक्स्ट स्लाइड, हाउ टू अवॉइड स्कैम्स। स्कैम्स से बचने के लिए क्या करेंगे? डू योर सेल्फ स्क्रूटनी, आप खुद से चेक करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था, अगर आपका गलत ऑफर लेटर एम्बेसी में जाता है तो वो आपको डिनाई कर सकते हैं, आपके ऑफर लेटर को कैंसिल कर सकते हैं, आपका जो भी एक्सपेंस किया है वो कुछ रिफंड नहीं होगा। सो आप सेल्फ स्क्रूटनी डेफिनेटली करें, आपकी साइड से डबल चेक करें, क्योंकि हम किसी और को ब्लेम बाद में नहीं कर पाएंगे। तो कंपनी वेबसाइट्स, कस्टमर या तो एम्प्लॉई रिव्यूज़ देखें, इन सारी चीज़ों को बहुत ही इम्पोर्टेंस दें। सर्कम्सपेक्शन ऑफ फॉल्स वर्ड्स, जो हमने अभी डिस्कस किया कि कोई आपको गलत प्रोमिसेस दे रहा है, कुछ फॉल्स वर्ड्स में आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली उसमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमारी यही प्रॉब्लम है, हमें कोई भी कुछ भी फॉल्स वर्ड्स दे के बिल्कुल ट्रस्ट में ले सकते हैं। आगे फिर से मैं यही कहूँगी कि कुछ आपको अगर जॉब ऑफर के लिए पे करने के लिए कहा जा रहा है, इट इज़ लाइकली अ स्कैम। नेक्स्ट पॉइंट इज, इफ़ यू रिसीव एन ऑफर फॉर अ जॉब दैट यू डिड नॉट अप्लाई, इट कुड बी अ रेड फ्लैग। लाइक स्क्रूटिनाइज करिए बिल्कुल रूट से, अगर आपने ऐसी कोई जॉब में अप्लाई नहीं किया है और आपको ऑफर लेटर दिया जा रहा है, आप प्लीज उसको चेक करिए, क्योंकि ये रेड फ्लैग हो सकता है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर विद सेइंग थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को बनाने का केयर इमिग्रेशन की तरफ से बस यही मोटिव है कि आप ऐसे किसी भी स्कैम में ना फंसे, अलर्ट रहे, सावधान रहे। अगर आपको इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे पीआर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जिनका नंबर है 9924039977, या तो फिर आप फिजिकली हमारी हेड ऑफिस जो अहमदाबाद में है वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, या तो फिर हमारे ब्रांचेस मेहसाना या तो फिर कलोल में विजिट कर सकते हैं। And if you like the video and for more information, please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. Thank you.